ठीक है गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम, आप आ रहे हैं, प्लीज 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 मेरी तरफ ध्यान दो, वी आर कमिंग डाउन टू लॉ ऑफ टॉट्स। आ जाइए। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं टॉट्स मंजे काय, टॉट्स मंजे सिविल रॉन्ग, पर दोस्तों सिविल रॉन्ग तो सीपीसी में भी डील हो सकता है। लॉ ऑफ टॉट्स क्यों बनाया आप लोगों के लिए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड वी मेकिंग लॉ ऑफ टॉट्स अ सेपरेट सेगमेंट एंड नॉट टेकिंग इट अंडर सिविल प्रोसीजर कोड? याद रखना ऐसे ऑफेंसेस जिनका ट्रीटमेंट ना सिविल प्रोसीजर कोड करता है और ना जिनका ट्रीटमेंट सीआरपीसी करता है, ऐसे मुद्दों को आप लाते हो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। अब आता है नेक्स्ट सवाल कि सर ऐसे मुद्दे भी होते हैं जिनका इलाज सीआरपीसी और सीपीसी नहीं करता? हमने कहा हां होते हैं, बताएंगे, दो मिनट रुक जाओ, बताएंगे। पर मेजॉरिटी ऑफ द ऑफेंसेस सीआरपीसी और सीपीसी के अंदर ही आते हैं और रेयरली कुछ केस लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर जाते हैं। इसीलिए हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट्स को दैट ब्रांच ऑफ सिविल लॉ कहते हैं जो वन ऑफ द वीकेस्ट ब्रांचेस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज्यादा लोग काम नहीं ले पाते। अब फॉर एन एग्जाम्पल, आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर एक एग्जाम्पल ले जाइए। मैंने खिलाया एक फूल और फूल को रखा बाहर बालकनी में, बरामदे में, एकदम छज्जे के ऊपर, चली तेज हवा, नीचे से घूम रहा था एक आदमी, फूल का गमला सहित गया उसके ऊपर, गमला उसके सर पे फूटा, फूल अब उसके टाट पे। मेरा सवाल, मैंने फेंका गमला, गमला अपनी मर्जी से गिरा, ये तो बहती हवा सा था, वो लगी हवा नीचे गिरा उसके सर पे लग गई। सो ऐसे केस के अंदर जब बहती हवा सा था वो और उसके सर पे जाके गमला लगा, तो क्या क्रिमिनल केस करोगे मेरे अगेंस्ट? नहीं, क्रिमिनल केस नहीं करोगे। सीपीसी के अंदर जाके सिविल केस करोगे मेरे अंदर? मैंने क्या किया, मैंने तो गमला ही रखा था। अब ना सीपीसी इसका कोई इलाज दे रहा है, ना सीआरपीसी इसका कोई इलाज दे रहा है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स बोलता है, इधर आ, क्या कहीं ना कहीं तेरे घर में, तेरे बरामदे में, तेरी जगह पे तूने गमला रखा, तो ये तेरी जिम्मेदारी थी कि तेरे को देखना चाहिए था कि अगर बहती हवा सा था वो तो उसके आगे कुछ सेफगार्ड होना चाहिए था। यस, हम जानते तूने कोई क्राइम नहीं किया, हम जानते तूने कोई क्राइम नहीं किया, पर नेग्लिजेंस भी तो एक तरीके की गलती है आपकी तरफ से। आपको ऐसे रखना ही नहीं चाहिए था वो गमला। ऐसे केस के अंदर जो आपका नेग्लिजेंस है उसके लिए हम तुझे जेल तो नहीं करेंगे। तो यहां पे आता है आपका मेन एलिमेंट ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, दैट इन केस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स द क्वेश्चन ऑफ इंप्रिजनमेंट इज साइलेंट, देयर कैन बी इंप्रिजनमेंट इन केस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो ये चीज याद रख लेना, नो इंप्रिजनमेंट। चलिए बिटिया, इंप्रिजनमेंट नहीं है, अच्छा लगा मेरे को ये सुनकर, बहुत अच्छा लगा। लॉ ऑफ टॉर्ट्स को आपने टॉर्ट्स को क्या बोला था, ये एक तरीके की ब्रांच ऑफ सिविल कोड से ही है, पर ये क्या है? लॉ ऑफ टॉर्ट्स ओनली डील्स विद सिविल रॉन्ग्स जिसके लिए कोई भी रेमेडी ना सीआरपीसी प्रोवाइड कर रहा है ना सीपीसी प्रोवाइड कर रहा है। जब कोई भी रेमेडी सीआरपीसी और सीपीसी नहीं देता, तब लॉ ऑफ टॉर्ट्स बोलता है मैं तुझे दूंगा रेमेडी। यहां तक सब साथ में है? Yes. Coming back, law of torts ने आगे बोला, चलिए एक और example लेते हैं, आप मुझे बताइएगा कहां केस करोगे। रस्ते में जा रहे थे विकास सर गाड़ी भगाते हुए, एकदम ठीक, आगे एक सुंदर सी कन्या जा रही थी वो भी गाड़ी भगाते हुए, दोनों भाई लोग गाड़ी भगा रहे थे, भागम भाग के बीच में रोड के बीच में एक ऐसे बड़ा सा पेड़ निकल रहा था जो ऐसा आया एंड विकास सर की गाड़ी थप टकराई वहां पे, इज्जत का कचरा ऑन द स्पॉट। कहां जाए, पेड़ के ऊपर क्रिमिनल केस करोगे, सिविल केस करोगे, किस पे करोगे केस? आपने बोला यार अब कोई इलाज ही नहीं, क्या कर सकते हैं अपन यार, पेड़ आ गया रोड पे, अब पेड़ को थोड़ी बोल सकते बाजू थोड़ा सा इधर से जाना इधर से जाना, वो तो पेड़ है, वो तो कहीं भी आएगा। सो इन दिस केस हमने क्या बोला, किसकी लैंड से वो ट्री निकल रहा था, इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था कि ऐसी चीज डायरेक्ट रोड पे ना आए जिसकी वजह से भयानक एक्सीडेंट हो सकते हैं और लड़कियों के सामने भाई का पचका हो सकता है। इन सच अ केस आप उस जमीन वाले को जेल करवाओगे क्या? नहीं करवा सकते। आप सिर्फ लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर उसके खिलाफ नेग्लिजेंस की तरफ जा सकते हैं कि ये तेरा काम था कि तू अपने ट्री को इतना सा पार्ट कट करके रख ताकि वो रोड पे ना आए। आप सिर्फ और सिर्फ क्या क्लेम कर पाओगे उसके अगेंस्ट? बेहतरीन, कॉम्पनसेशन क्लेम कर पाओगे, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो अब इसको समराइज कर देते हैं भाई, लॉ ऑफ टॉर्ट्स ऐसी ब्रांच है जो सिविल लॉ के तरीके से ही है, पर इसे कहा जाता है टॉर्ट मींस अ सिविल रॉन्ग, फॉर द रेमेडी इज ओनली कॉम्पनसेशन। एंड व्हेन कैन यू गो टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स? जब सीआरपीसी या सीपीसी या फिर कोई भी एडिक्वेट लॉ आपको प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दे रहा। ले लो एक और एग्जाम्पल, विकास सर, हरीश सर, विकास सर एकदम फिट बॉडी बिल्डर, हरीश सर थोड़े से चौड़े गैंडे, दोनों सीसॉ खेल रहे थे,
उम्र कितनी? विकास सर 3.5 साल और हरीश सर 4 साल. 4 का रीजन आपको बताया. दोनों लोग आराम से बैठ के खेल रहे हैं. हरीश सर ने थोड़ा सा ज्यादा जोर से लगाया और ये अपने कॉर्पोरेट बाबा गए पीछे की तरफ, उड़ते उड़ते मिट्टी में रगड़े लग गए उनके थोड़े से निशान. अब सवाल उठता है ये, हरीश सर के ऊपर क्रिमिनल केस करोगे? प्लानिंग करके गिल्टी माइंड के साथ 4-4 बार गिराया? नहीं, ऐसा तो आप नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई बच्चे हैं और क्रिमिनल लॉ कहता है कि ये 7 साल से नीचे वाले तो गिल्टी इंटेंशन फॉर्म भी नहीं कर सकते. इनको क्या पता कि हमारे पास अब क्या एबिलिटीज आ गई हैं. हम 5 साल में या फिर पैदा होने के बाद नर्स को भी गंदी नज़र से देख सकते हैं. पर एज ऑफ नाउ हम मान लेते हैं कि क्योंकि उस टाइम वो बोल नहीं पाता तो वो अपनी भावनाएं बता नहीं पाया, वो सिर्फ अंगूठा लेके बैठा रहता है कि अब क्या ही समझाऊं तुमको. ठीक है, बात को यहीं दबा देते हैं. ये तो हमें ही पता है कि हमारे अंदर खतरनाक इंटेंशन कौन से मिनट से आ जाती हैं. लेट्स अज्यूम जो लॉ कह रहा है कि 7 साल तक नहीं आती हैं, मान लिया. तो 7 साल तक आप कोई क्रिमिनल केस तो कर नहीं सकते. अब सिविल केस में क्या करोगे यार? उस बेचारे ने कोई नेग्लिजेंस थोड़ी दिखाया, उसका वजन ज्यादा है क्योंकि वो खाता ज्यादा है, तेरा वजन कम है क्योंकि तू खाता कम है. तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स बोला, सुन, ना तेरे को सीपीसी में इलाज है ना तेरे को सीआरपीसी में इलाज है, पर मैं तेरे को इलाज दूंगा. अपन जाएंगे हरीश सर के घर पे और उसके पेरेंट्स को पकड़ेंगे और बोलेंगे कि तेरी वजह से किसी दूसरे का बच्चा गिरा. और कुछ नहीं चाहिए, कॉम्पनसेशन दे, इसकी मलम पट्टी करानी पड़ेगी और छोटा मोटा जो भी खाली इसका जो रिपेयरिंग का खर्चा है वो तू पे कर दे. हम तेरे से कोई एडिशनल चीज नहीं मांग रहे कि तेरे बच्चे को ज़्यादा खाना क्यों खिलाया, उसका फाइन लगा रहे हैं. फाइन नहीं लगा रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं कि जो हमारा नुकसान हुआ है वो भर के दे दे. तो क्या लॉ ऑफ टॉर्ट्स आपको तब रेमेडी प्रोवाइड करता है जब कोई भी और लॉ रेमेडी प्रोवाइड नहीं करता? जय हिंद जय महाराष्ट्र. चलो आगे जल्दी से. सो द वर्ड टॉर्ट इज अ फ्रेंच वर्ड विच इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टॉर्टम. टॉर्ट फ्रेंच वर्ड है, कहां से निकाला अपन ने इसको? लैटिन वाली उंगली करी. टॉर्टम. टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग. वाओ. बट एवरी रॉन्ग और रॉन्गफुल एक्ट इज नॉट अ टॉर्ट. हर एक्ट टॉर्ट नहीं कहलाता. टॉर्ट इज रियली अ काइंड ऑफ सिविल रॉन्ग एज अपोज टू अ क्रिमिनल रॉन्ग. एक लड़की रोड से जा रही थी, विकास सर ने उसको देखा, जोर जोर से सीटियां मारने लगे, रुक ही नहीं रहे, सीटियां मार रहे हैं उसको देख के. ये जो तुम खटाखट सीटियां बजाए जा रहे हो ये सिविल रॉन्ग है कि क्रिमिनल रॉन्ग है? अबे हरास कर रहा है, छेड़ रहा है, तेरा भरोसा नहीं, सीटी मारते मारते पता नहीं तू आ जाओ. एग्जाम्पल, अ कार एक्सीडेंट वेयर वन ड्राइवर हर्ट्स अनदर ड्राइवर बिकॉज ही और शी वॉज नॉट पेइंग अटेंशन कुड बी अ टॉट. अब देखो, एक कार का दूसरी कार से एक्सीडेंट हो गया, तो यहां पे जो एक्सीडेंट हुआ है यहां पे देखो इंटेंशनल एक्सीडेंट. व्हेनेवर आई यूज द वर्ड एक्सीडेंट द वर्ड इंटेंशन इज गॉन. आप जब एक्सीडेंट कहते हो ना, एक्सीडेंट का मतलब होता है हादसा. हादसा मतलब अचानक से ऐसे होने वाली चीज जिसके लिए सोचा नहीं गया था. एकदम ठीक. हो गया, आओ. अ कार एक्सीडेंट वेयर वन ड्राइवर हर्ट्स अनदर ड्राइवर बिकॉज ही और शी वॉज नॉट पेइंग अटेंशन. क्या मैं कह सकता हूं दिस इज अ केस ऑफ नेग्लिजेंस? यस. आपको इतने सारे केसेस बताए, सारे नेग्लिजेंस है. तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स आपकी कब ज्यादा हेल्प करता है? व्हेन देयर इज मोर ऑफ अ सिविल नेग्लिजेंस, जहां पे कॉम्पनसेशन इज एन एडिक्वेट रेमेडी. गोइंग अहेड, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ टॉर्ट. इट इज अ स्पीशी ऑफ सिविल इंजरी और रॉन्ग एज अपोज टू क्रिमिनल रॉन्ग. तो ये सिविल इंजरी है एंड एवरी सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट. देखो, अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग बट नॉट ऑल सिविल रॉन्ग बिकम अ टॉर्ट. ऐसे सिविल रॉन्ग जिनकी रेमेडी सीपीसी के अंदर दी है उसको कभी भी टॉर्ट नहीं बोला जाता, और ऐसे सिविल रॉन्ग जिसकी रेमेडी सीपीसी के अंदर भी नहीं दी और भी कहीं नहीं दी है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स. आई वी प्रीटी श्योर अबाउट दिस. गो अहेड. जनरल कंडीशंस टू फॉर्म अ टॉर्ट देखते हैं. देयर इज नो स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ सिविल रॉन्ग. हम बता नहीं सकते कि क्या सिविल रॉन्ग है क्या नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस. दैट विल अमाउंट टू अ टॉर्ट. अ सिविल रॉन्ग बिकम्स अ टॉर्ट ओनली इफ इट सैटिस्फाइज सम conditions. आपने अगर ये conditions पूरी कर दी, condition मैं आपको already बता चुका हूँ. चलो, in general a tort consists of some act or omission. आपने कोई हरकत करी या फिर कोई हरकत करनी चाहिए थी जो नहीं करी, done by the tort feasor. tort feasor मतलब जिसके ऊपर हम बोल रहे हैं कि आपसे गलती हुई है. एकदम ठीक. tort feasor is a person by whom the mistake has been done, whereby he was without just cause or excuse caused some harm to the अदर पार्टी. और आपकी इस हरकत से किसी और पार्टी को कोई नुकसान हुआ है. टॉट हैज फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स. टॉट इज अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन डन बाय द टॉट फीजर. सेकेंड, द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट कॉज लीगल डैमेज टू अनदर. आप देखो क्या हुआ, आपने कोई गलत काम किया या फिर कोई काम करना चाहिए था जो आपने नहीं किया, उस गलत काम से अगले बंदे को नुकसान हुआ है. The wrongful act must be such a nature that legal remedy can be offered. और ऐसा नुकसान हुआ है
जिसके लिए लीगल रेमेडी बनती है, जस्ट टू से उसने मेरा दिल तोड़ दिया। सीआरपीसी में कोई कॉम्पनसेशन है? सीपीसी में, टॉर्ट में क्या बोलेगा, कितने का दिल था जो टूटा तेरा, तुम्हारी शक्ल देख के 60 रुपए से ज्यादा तो मिलने नहीं है। तो जस्ट टू से अब जो तेरा दिल टूट गया इसके लिए कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये मत बोलना कि भाई उसने एक ऐसा एक्ट किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, वो दूसरे के साथ घूमने चली गई, पहला। सेकंड, मेरा दिल टूटा डैमेज। तीसरा, अब मुझे इलाज कराओ। क्या इलाज कराए तेरा, तू बोल क्या चाहिए तेरे को, तू बोल क्या चाहिए तेरे को। टॉट के अंदर देते हम तेरे को वो इलाज। टॉट भी बोला कि तू समझ, मैं टॉट हूं, ऐसी चीज जिसका लीगल डैमेज तू प्रूव कर सकता है वहां कॉम्पनसेशन मिलेगा। दिल टूटना तो कोई लीगल कॉम्पनसेशन क्लेम ही नहीं करवा सकता। सो नोट, इफ एनी ऑफ द थ्री कंडीशंस आर मिसिंग देन इट विल नॉट अमाउंट टू टॉट। तो कौन सी तीन कंडीशंस है टॉट बनने के लिए? सबसे पहले, आपने कोई ऐसा रॉन्ग एक्ट किया या फिर आपने कोई ऐसा ओमिशन किया जिसकी वजह से सामने वाले बंदे को डैमेज हुआ और उस डैमेज का कोई लीगल रेमेडी बन सकता है, तभी आप टॉट के अंदर आना, वरना मत आना। पहली बात डन, सॉर्टेड, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। सो फार सो गुड, नो प्रॉब्लम। पीछे देख लीजिए जबरदस्ती का डायग्राम, रॉन्गफुल एक्ट प्लस लीगल डैमेज प्लस लीगल रेमेडी इज इक्वल टू टॉट। आपको याद रखने के लिए, गोइंग अहेड, रॉन्गफुल एक्ट का मतलब क्या होता है? गलत हरकत। द एक्ट कंप्लेंड ऑफ शुड अंडर द सर्कमस्टेंस बी लीगली रॉन्गफुल एज रिगार्ड द पार्टी कंप्लेनिंग। अब एक बात समझना, हमारे यहां आने से पहले अगल बगल कोई सी एस की अकेडमी चैन से काम कर रही थी, सुकून से काम कर रही थी, जैसा वो करना चाहे वो कर पा रही थी। पर फिर आए उनके बाप, जैसे ही वो यहां पे पधारे अचानक से उनका नुकसान होना चालू लग गया, उनके वहां के बच्चे इधर उधर भागने लगे, कहीं और के भी बच्चे इधर उधर भागने लगे, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, और यहां पे बच्चे आने लगे, इसकी वजह से उनको नुकसान हुआ, क्या वो मेरे खिलाफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जा पाएंगे? मैंने कहा रॉन्गफुल एक्ट कहां है? मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, अब मैं क्या करूं अगर मैं आपसे अच्छा पढ़ा रहा हूं? तो फॉर एन एग्जाम्पल, ये हमसे एक बात कर रहे थे, देयर इज नथिंग इन रियलिटी। सो सबसे पहला, रॉन्गफुल एक्ट और ऑमिशन का मतलब क्या होता है? जो हरकत हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। सिर्फ कोई आपसे अच्छा काम करे जिसकी वजह से आपका नुकसान हो रहा है, इसके लिए कोई कॉम्पनसेशन नहीं बनता। सो द एक्ट कंप्लेंड ऑफ शुड अंडर द सर्कमस्टेंस बी लीगली रॉन्गफुल एज रिगार्ड्स द पार्टी कंप्लेनिंग। जिसने गलती की है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं कोई गलत हरकत कर रहा था, मैं सिर्फ अच्छा काम कर रहा था, ये कोई कंप्लेंट नहीं है। सेकंड, लीगल डैमेज, और मेरी इस गलत हरकत की वजह से आपको डैमेज होना चाहिए। क्या आप ये प्रूव कर सकते हो कि मेरी हरकत की वजह से आपको डैमेज होना चाहिए? अगर आप ये प्रूव कर पा रहे हो, मंजूर, नो क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। It means a damage which the law recognizes as such that there should be injury to the party. Ab now try to understand. Injury ka matlab thoka thaki nahi, uska muh todna injury nahi hai. Injury matlab nuksan. Kisi bhi tarike se aap ye prove kar do, aapko kya nuksan hua. Agar aap ye prove kar pate hain ki aapko kya nuksan hua, manzoor. No questions to be asked again. Aur last, अब आप पढ़ने जा रहे हो इंजूरिया साइन डैमनम, और दूसरा होता है डैमनम साइन इंजूरिया। आपकी बुक के लिए इस चैप्टर में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है, इंजूरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजूरिया। चलिए बहुत टाइम पास सा है, आके दिखाते। अच्छा, इंजूरिया मतलब इंजरी, साइन का मतलब होता है विदाउट, और डैमनम मतलब डैमेज। अब समझना इसने क्या बोला, इट मींस इंजरी विदाउट डैमेज। आपको इंजरी हुई है पर आपको कोई डैमेज नहीं हुआ, इंजरी हुई डैमेज नहीं हुआ, दैट इज वेयर देर इज नो डैमेज रिजल्टेड येट, इट इज एन इंजरी और रॉन्ग ऑफ टॉट। दैट इज वेयर देर इज इंफ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट नॉट रिजल्टिंग एनी हार्म बट द प्लेंटिफ कैन स्टिल सू इन टॉट। अब बात समझो तीसरी चीज, इंजरी और टॉट, सॉरी डैमेज, इसका क्या कहना है? अगर आपका कोई लीगल राइट था जो किसी ने इंफ्रिंज कर दिया, अभी तक उसके इंफ्रिंजमेंट से आपको नुकसान नहीं हुआ है बट स्टिल ये आपका लीगल राइट था, फिर भी आप टॉट के अंदर जा सकते हो क्लेम करने के लिए कि मेरे लीगल राइट को कोई और इंजर कर रहा है, तो क्या मैं नुकसान होने के लिए रुकूंगा? जब तक नुकसान नहीं हो जाता तब तक बैठा रहूं? यू हैव टू सेव माई लीगल राइट फर्स्ट। आ जाइए एक सेकेंड देखते हैं। दस, द एक्ट ऑफ ट्रेसपासिंग। अब देखना क्या हुआ, ट्रेसपासिंग का मतलब क्या होता है? किसी और की प्रॉपर्टी में एंटर करना। सो डज एन एक्ट ऑफ ट्रेसपासिंग अपॉन अनदर्स लैंड। अब समझो मैं किसी और की जमीन पे गया जो किसी और की जमीन थी। अच्छा, मैं किसी के घर में घुस गया, कर नहीं रहा हूं कुछ, कुछ भी नहीं किया अभी तक, सिर्फ घुसा हूं घर के अंदर और मुस्कुरा रहा हूं किसी को देख के ऐसे, और कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ हंस रहा था, ठीक है, कोई डैमेज हुआ अभी तक नहीं, सिर्फ घर के अंदर ही घुसा हूं ना।
क्या फिर भी वो बोल सकता है घर के बाहर निकल चले, अरे पर कुछ कर थोड़ी ना हूं। सो व्हाट डिड दे से कि भाई समझ, हमारा लीगल राइट खराब कर रहा है तू, क्यों मेरे घर के आके जबरदस्ती सोफा सेट के बगल में खड़ा होकर हंस रहा है मुझे देख के, बाहर निकल घर के। क्योंकि डैमेज जरूरी नहीं है, आप मेरा लीगल राइट इंजर कर रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। सो कमिंग डाउन बैक, दस द एक्ट ऑफ ट्रेसपासिंग अपॉन अनदर्स लैंड इज एक्शनेबल इवन दो इट हैज नॉट कॉज द प्लेंटिफ इवन द स्लाइटेस्ट हार्म। मैं तो मुस्कुरा रहा था तुम्हें देख के, ऊपर से हार्म नहीं, मैं तो तुम्हें हंसने की वजह दे रहा था। फिर भी डॉक्ट्रिन ऑफ इंजूरिया साइन डैमनम वही है, बस उसको डायग्राम में डाले, इंजरी विदाउट डैमेज। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज योर इंजरी, नुकसान होने तक का वेट नहीं करने का। अगला बंदा घर में घुसने के बाद चोरी करे तब तक देखो डैमेज तो नहीं हुआ अभी तक, ये उठाया डैमेज तब जाओगे क्या करने, नहीं अपने को सिर्फ इंजरी तक देखना था। आप मेरी लीगल राइट इंजर कर रहे हो, कहानी सिंपली। सो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेट राइट विदाउट एक्चुअल लॉस और डैमेज इज अलाउड। नाउ दिस इज द केस लॉ फॉर यू, एशबी वर्सेस व्हाइट 1703 केस। इनके पर दादा पर पोते भी मर चुके हैं, अभी तक कोई नहीं बचा होगा, बहुत पुराना केस है। इन द लीडिंग केस ऑफ एशबी वर्सेस व्हाइट द डिफेंडेंट, अच्छा बच्चे डिफेंडेंट का मतलब सबको पता है, हमने किसी पे केस किया है वो उसको डिफेंड कर रहा है, मतलब जिस पे केस किया जाता है वो डिफेंडेंट होता है, जो केस करता है दैट इज प्लेंटिफ और प्रोसिक्यूशन जो आप बोलते हैं। इन द लीडिंग केस ऑफ एशबी वर्सेस व्हाइट द डिफेंडेंट पोलिंग ऑफिसर रॉन्गफुली रिफ्यूज टू रजिस्टर अ ड्यूली टेंडर्ड वोट ऑफ प्लेंटिफ। अच्छा समझना, पहले इस केस को समझ लो, आपको फिर समझाता हूं। मैं वोट करने गया, ठीक, मैं वोट करना चाहता था, मैंने कहा देश को बचाना होगा, कांग्रेस को हटाना होगा। मैंने ऐसा बीजेपी की तरफ बटन दबाया पर वो बटन दब ही नहीं रहा था, मैं ऐसे बहुत बार खेला पर बटन प्रेस नहीं हो रहा था। पोलिंग ऑफिसर बोला वैसे भी तेरे वोटिंग राइट इसमें आईडी में मेरे को देख के अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो पंगा है, तू बाहर निकल। मेरे को वोट नहीं करने दिया, बहुत कोशिश करी, हाथ जोड़े नहीं वोट करने दिया। रिजल्ट आया, बीजेपी इलेक्शन जीत गई। मैं किसको वोट कर रहा था, इलेक्शन भी कौन जीता, कोई डैमेज हुआ मेरे वोट ना करने का? क्या फिर भी मैं क्लेम कर सकता हूं? यार मेरा राइट तो था ना वोट करने का, आपने मेरे को वोट नहीं करने दिया, चाहे मेरे को डैमेज नहीं हुआ, देश फिर भी बच गया, पर फिर भी आपने तो मुझे वोट नहीं करने दिया ना। दैट इज वेयर व्हाट वी से दैट इंजरी इवन विदाउट डैमेज, आपका अगर लीगल राइट निकाल जाती है तो आपके पास राइट है केस करने का। इस केस के अंदर पोलिंग ऑफिसर ने मना कर दिया सामने वाले बंदे को उसका वोट कास्ट करने से, हाउएवर वो जिसको वोट कास्ट करना चाहता था वो ही जीते। फिर भी ये बोला कि जरूरी नहीं है कौन जीते, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन जीता, इंपॉर्टेंट ये है कि वोट हमारा था, हम वोट करना चाहते थे, आपने वोट क्यों नहीं करने दिया। और केस में जजमेंट आया कि यस द पोलिंग ऑफिसर वाज कंप्लीटली रॉन्ग इन डिनाइंग द अदर पर्सन हिज लीगल राइट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि वो पार्टी हारे तो मैं केस करूं, इंपॉर्टेंट ये था कि आपने मेरे को वोट करने देने का। एशबी वर्सेज व्हाइट 1703 केस, दिस इज फॉर यू गाइस, लेट्स रीड दिस। इन द लीडिंग केस एशबी वर्सेज व्हाइट the defendant polling officer wrongfully refused to register a duly tendered vote to plaintiff, a legally qualified voter at parliament election, and the candidate for whom the vote was to be tendered was elected and no loss suffered by election of vote. Jisko vote karna chah rahe the, wohi jeeta. Nevertheless, it was held that an action lay and the plaintiff was entitled to recover compensation. Simple. Next up, damnum sine injuria. तेरे को नुकसान हुआ पर तेरा लीगल राइट कोई हार्म नहीं हुआ था। अभी अभी आपको एक इतना बड़ा एग्जांपल दिया था मैंने, हमारे आने से पहले दूसरी कोई क्लास आराम से पढ़ा रही थी, हम आए उन्हें नुकसान हुआ, पर क्या वो केस कर पाएंगे? नहीं। डैमेज तो हुआ है पर क्या इनका लीगल राइट था मेरे को रोकने का? नहीं था। सो डैमनम साइन इंजूरिया में आपको कोई रिटर्न रिप्लाई नहीं मिलता है, रिटर्न रिप्लाई कहां मिलता है? इंजूरिया साइन डैमनम में। तो जो आपने ऊपर पढ़ा इंजूरिया साइन डैमनम, इसके अंदर लॉ ऑफ टॉर्ट्स आपको कॉम्पनसेशन दिलाता है, जबकि डैमनम साइन इंजूरिया मतलब डैमेज तो हुआ पर आपका कोई लीगल राइट को इंजरी नहीं हुई थी। तो ऐसे केस में कोर्ट बोलती है कि मान लिया तुझे नुकसान हुआ पर तेरा लीगल राइट कहां हैम्पर हुआ, सिर्फ इतना बता दे, देख लेते हैं। द मैक्सिम मींस दैट इन अ गिवन केस अ मैन सफर्ड डैमेज येट हैव नो एक्शन इन टॉर्ट बिकॉज द डैमेज हैज नॉट एन इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ टॉर्ट्स देयरफॉर कॉजिंग डैमेज, हाउएवर सब्सटेंशियल टू अनदर पर्सन इज नॉट एक्शनेबल इन लॉ अनलेस देयर इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ द प्लेंटिफ। दस देख लेना, इफ आई ओन अ शॉप
and you open a shop in neighborhood, as a result of which I lose same customers and my profit fall out. I cannot sue you the loss and profits because you are exercising your legal right. यहाँ तक ठीक है. अच्छा, तो अपन ने अभी तक दो चीज़ें पढ़ ली. अगर देखो, हमने पहले बोला था रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए जिसकी वजह से लीगल डैमेज होना चाहिए. तो बेटा लीगल डैमेज आपके नुकसान की बात नहीं करता, ये बात करता है कि क्या तेरा राइट तुझसे छीना गया. अगर तेरी लीगल राइट को इंजरी है तो टॉर्ट्स में आना. तुझे नुकसान हुआ ये ज़रूरी नहीं है, तेरा राइट तेरे से छीनना चाहिए. दो चीज़ें क्लियर है. और लास्ट क्या था, लीगल रेमेडी टाइम पास है जिसके लिए लॉ में कोई लीगल रेमेडी अवेलेबल हो. This means that to constitute a tort, the wrongful act must come under the law. That is, there should be remedies to the sufferer against the tortfeasor. Tortfeasor मतलब जिसने गलत हरकत करी. There are two types of remedies. That is, judicial remedy and extrajudicial remedy. अभी देखो एकदम मस्त है. Judicial remedy का मतलब क्या होता है? आप कोर्ट के पास गए, कोर्ट में जाके आपने बोला कि मदद कर. मदद करने के लिए कोर्ट ने बोला, बोल क्या मदद करूं. हमने कहा तू देख तेरे को जो अच्छा लगता हो. तो कोर्ट ने बोला चले काम कर. टॉर्ट के अंदर मैं तीन तरीके की मदद कर सकता हूं तेरी कोर्ट की तरफ से. पहला इंजंक्शन. इंजंक्शन का मतलब क्या हुआ कि सामने वाला बंदा अगर तेरी प्रॉपर्टी का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा था, मैं इंजंक्शन दे सकता हूं उसको एक बार रोकने के लिए. उसे तब तक रोक के रखूंगा जब तक तू प्रूव नहीं कर देता कि इस चीज पे तेरा अधिकार है. अगर प्रूव नहीं कर पाया तो इंजंक्शन हटा दूंगा, और प्रूव कर दिया तो ये प्रॉपर्टी तुझ तक पहुंचा दूंगा. पहला है इंजंक्शन. सेकंड बोला इसने डैमेजेस. नुकसान दिखा दो तुम कि तुम्हारा लीगल राइट था और तुमको नुकसान भी हुआ है. क्या कोर्ट तुम्हारे लिए डैमेजेस ऑर्डर कर सकता है? याद रखना जब मैं वर्ड यूज करता हूं डैमेज मतलब नुकसान, डैमेजेस मतलब नुकसान की भरपाई मतलब कॉम्पनसेशन. लिख लो भाई. एंड थर्ड स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी. जो चीज तुम्हारी थी क्या वो मैं खींच के तुम तक वापस लाके दे सकता हूं? रेस्टिट्यूट मतलब गेटिंग इट बैक इन द प्लेस वेयर इट वॉज बिफोर द हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट. ये है आम जिंदगी. हाँ जी. कोई अग्रीमेंट नहीं है तो क्या कस्टमर सॉलिसिट करना हो? अग्रीमेंट हो भी तब भी तो कस्टमर सॉलिसिट कर सकता है, कुछ नहीं होता. द प्रैक्टिकल आइडिया सेज कि अगर आप मेरी बिजनेस की विसिनिटी में आ जाते हो, जिसमें अपने बीच में पहले बात हुई थी कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी विसिनिटी में आके मेरी कस्टमर्स को सॉलिसिट करना गलत है. हाउएवर अगर हमने कभी इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं की थी और हम बाहर निकले, नो क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, कभी भी नहीं. कमिंग डाउन टू एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज. जुडिशियल रेमेडी तो कोर्ट मदद करेगा, एक्स्ट्रा जुडिशियल में तुम खुद आतंकवाद पे आओगे. पहला है सेल्फ डिफेंस. तुम्हारे घर पे कोई बंदूक लेके खड़ा है तुम उसको फूल दोगे क्या हाथ में? नहीं ना. तुम भी चक्कू ढूंढोगे ना घर में खुद को बचाने के लिए? खत्म बात. इसको कहते हैं सेल्फ डिफेंस. अच्छा, सेल्फ डिफेंस में एक चीज याद रखना, मेरे को बताना कि यहां पे मैं सेल्फ डिफेंस का केस फाइल कर सकता हूं कि नहीं. भाई ना, मैं बड़ी शराफत से बैठा हुआ था, एक लड़की कंकर उठा के मेरे पे बार बार फेंक रही, मेरे को दो बार लगा, दर्द भी हुआ कंकर से, दो तीन बार लगे, मैंने गन उठाई. सेल्फ डिफेंस. अगर कंकर जोर से लग जाता तो पीछे छोटा मगज होता है, चलेगा? है सेल्फ डिफेंस. आपने कहा पी क्या है क्या सर? कोई तेरे को कंकर फेंक रहा है तू गोली मार दिया, ये तेरा सेल्फ डिफेंस है? व्हाट वेयर. अच्छा, इन रिटर्न मैं भी कंकर फेंकू तो ये सेल्फ डिफेंस है. अक्सर कंकर फेंकते फेंकते प्यार हो जाता है, तो हम दोनों ऐसे ऐसे कंकर फेंक रहे थे. अच्छा, इस बार मेरे को कंकर ना हल्का सरगा, मैंने पत्थर उठा के थड़ा वापस दिया, सेल्फ डिफेंस है क्या? नहीं. आपने क्या बोला भाई? सेल्फ डिफेंस का मतलब समझ, जब सामने वाला बंदा तेरे पे इतनी इंजरी इन्फ्लिक्ट कर पाए जो तुझे लगता है कि मेरे पे इतनी इंजरी हो सकती है, उतना ही पावर तू उसके ऊपर वापस यूज कर सकता है. सामने वाला बंदा तेरे सामने गन लेके खड़ा है ना, तू भी गोली मार, अलाउड है. क्यों? क्योंकि वो भी इतनी इंजरी तेरे को पहुंचा सकता था, पहुंचा सकता था. अगला बंदा तेरे पीछे कंकर लेके दौड़ रहा है, तू उल्टा घूम के आया बंदूक लेके उड़ा दिया, तूने कहा कंकर लग जाता तो. दिस इज नो केस ऑफ सेल्फ डिफेंस. आर वी गेटिंग इट? तो सेल्फ डिफेंस का मतलब प्लीज गलत मत लीजिएगा कि किसी भी चेंज में आया तुमने ढाई ढाई कर दिया, वो नहीं चलता है. यूपी पुलिस नहीं हो तुम. कमिंग डाउन टू द सेकेंड पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास. कोई आपके घर में घुस गया, अच्छा कोई मेरे घर में दारू पी के घुसा हुआ है, आराम से युडले युडले कर रहा है, घूम रहा है, पकड़ के बाहर फेंक सकते हैं क्या उसको? यस, देयर इज अ प्रिवेंशन ऑफ ट्रेसपास. यू कांट से कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, पी के आया तो आज सो जा सुबह बताता हूँ तेरे को. निकालोगे सुबह, कोर्ट तक जाने का थोड़ी वेट करोगे कि भाई वो मेरे घर पे पी के आया, तब तक तो जज चला जाएगा अपने घर. थर्ड, री एंट्री ऑन लैंड. आपकी लैंड मान लीजिए
मैं एज अ टेनेंट आपकी प्रॉपर्टी लेके बैठा था, मैं उसके अंदर गलत काम कर रहा था, बता रहा हूँ, मैं रेंट नहीं भर रहा था टाइम पे वापस, मैंने जो ऑब्जेक्ट स्टेट किया था वैसे काम नहीं कर रहा था, क्या ऐसे केस में अगर मैं आपकी प्रॉपर्टी का दुरुपयोग कर रहा हूं जैसा आपने बोला था वैसा उपयोग नहीं कर रहा हूं, तो क्या आप लोग री एंट्री ले सकते हो अपने लैंड के ऊपर, मुझे धक्के मार के निकाल सकते हो? यस, नो क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। चले आगे, लास्ट, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। ये मेरी क्लास के लड़के अच्छे से समझ पाएंगे, कितने लोग यहां पे ऐसे फ्लैट लेके रहते हैं, हां बस। तो देखो अपना क्या होता है ना, रात में 10-11 बजे के बाद घर में समासा बनता है, माहौल बनता है, अचानक गानों की आवाज़ बढ़ने लगती है, अचानक तुम्हारे अंदर ऐसा 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 एक झटका, तुम्हारे अंदर की भयानक चुड़ैलें जागती हैं, तुम्हें लगता है कि अब कुछ करना है। आई रिपीट, मतलब तूफानी नहीं, अब कुछ मतलब डांस वांस करेंगे आराम से, और नाचते नाचते आप लोग पानी पीना तो पसंद करते ही हैं, ठीक है। तो ये जो आप अपने हाथ में गंगा जल उठाकर नाच रहे होते हैं, जिसकी वजह से अगल बगल वालों को डिस्टरबेंस होता है, तो अगल बगल से एक बुढ़ा हुआ आता है जो तुम्हारी पूरी पार्टी की लंका लगा के चला जाता है, तुम उसके ऊपर पुलिस केस कर सकते हो क्या? उसने मेरी पार्टी खराब करी, रात को 2 बजे कर ही कह रहे थे हम, सिर्फ 40 की आवाज पे नाच ही तो रहे थे, बगल वाले ने पार्टी खराब कर दी। कर सकते हो केस? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप जो कर रहे थे उसको न्यूसेंस बोलते हैं। रात को 2 बजे उन लोगों के हिसाब से मोस्टली लोग सोते हैं, इनको क्या पता कि गंगाधर ही शक्तिमान है। यहां तक एकदम ठीक है, चले आ जाते हैं। सो अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस आपको आगे बोला जा सकता है। अब भी मैंने आपको कुछ दिन बताया था ना, मेरे घर पे सुबह 6 बजे पुलिस आ गई थी, साले गंवार, मेरे फ्लैटमेट्स बाहर बैठे हुए हैं बालकनी में, पता नहीं क्या मस्तीबाजी कर रहे हैं, क्या लगा रखा है, सामने वाले सोसाइटी से किसी ने चलाया, ओए सो जाओ, ये चलाया, तू सो जा, दोनों एक दूसरे को गालियां देने लग गए, उसने पुलिस भेज दी। यहाँ पे पुलिस वाले आके मेरे कमरे में मेरे को चेक कर रहे हैं कि तू नशे क्या। मैं कहा यार मैं तो मजे से सो रहा हूँ, कुछ बोला नहीं, जबरदस्ती 10 मिनट मेरे खराब किए। सो इन आइदर केसेस क्या वो पुलिस भेज सकता था क्योंकि ये लोग बाहर बालकनी बैठ के न्यूसेंस कर रहे थे? यस, 100% किया जा सकता है। गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी। अच्छा देखो, हमेशा याद रखना, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी बोलने में जितनी अच्छी लगती है ना, उतना यूज करना रिस्की होता है। तो हमेशा आप सेल्फ डिफेंस भी कर रहे हो ना, प्रूव करना बहुत बड़ी बात होती है सेल्फ डिफेंस के अंदर, कि आपको सच में इतना इंजरी इन्फ्लिक्ट किया जा सकता था, ये बहुत बड़ी बात है प्रूव करना। तो इसीलिए देयर इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब तक पॉसिबल हो जुडिशियल रेमेडीज की तरफ ही जाना चाहिए। इन सिचुएशंस वेयर वी कैन नॉट वेट टिल द नेक्स्ट जुडिशियल रेमेडी कम्स टू यू, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज को यूज करो। कमिंग डाउन नेक्स्ट, दीज रेमेडीज कुड बी सेल्फ डिफेंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए फाइंड्स अ ड्रंकन स्ट्रेंजर इन हिज रूम who has no business to be there in it and thus is a trespass, he is entitled to get rid of him if possible without force. bhai bahar nikal, bhai bahar nikal, pehle pyar se baat karo, kyunki wo piya hua hai, wo nahi manega 100%, but that be not possible with such force as circumstances of the case mein warrant. to aise case mein jitna zarurat ho utna hi lagao, चक्कू लेके उसके 6 टुकड़े करके अलग 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 तरीके से घर के बाहर नहीं निकालना आपने, जितने फोर्स की जरूरत है उतना फोर्स लगाओ, घर के बाहर छोड़ के आ जाओ बस। कमिंग डाउन नेक्स्ट टू मेंस रिया, द बेस्ट पार्ट, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर किसी भी चीज को क्राइम बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या लगती थी? मेंस रिया। टॉर्ट ने बोला हमारे यहां पर मेंस रिया नहीं है, हमको चाहिए नहीं, तेरा नेग्लिजेंस भी खूब है, मत कर, कोई गंदी इंटेंशन थी नहीं, मैंने जब गमला रखा तो मैं जरूर किसी गंजे के सर पे ही तो फोड़ना चाहता हूँ, इसलिए तो रखा मैंने गमला, मेरा सपना ही था गंजों के सर फोड़ने का, व्हाट वी आर सेइंग, फिर भी गलती हुई ना, तेरे मेंस रिया की जरूरत नहीं थी। वो जब पेड़ टेढ़ा आ रहा था ना, तो वहां पर रोज फार्मर आके पेड़ पर लटक लटक के टेढ़ा कर रहा था, ऐसा था क्या? नहीं, द आइडिया ऑफ मेंस रिया इज कि आपका गिल्टी इंटेंशन था। टॉड कहता है मेरे को गिल्टी इंटेंशन चाहिए नहीं, मैं तेरे को जेल थोड़ी भेज रहा हूं, तेरी वजह से किसी का नुकसान हुआ, चाहे तू नुकसान करना चाहता था नहीं करना चाहता था, मेरे को कुल मिला के उसकी भरपाई करवा दे, बात खत्म। हाउ फार अ गिल्टी माइंड ऑफ अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू बी लाइबल फॉर टॉट, द जनरल प्रिंसिपल लाइज इन द मैक्सिम एक्टस नॉन फसीड निसी मेंस रिया, दैट सेज द एक्ट इटसेल्फ क्रिएट्स नो गिल्ट इन द एब्सेंस ऑफ गिल्टी माइंड, इट डज नॉट मीन दैट फॉर द लॉ ऑफ टॉट्स द एक्ट मस्ट बी डन विद एन evil motive, but simply means the act must be done either with wrongful intention or negligence. Negligence bhi hua na, tab bhi aap tort ke andar aa sakte ho. So mens rea is not an important element of tort. Chaliye, aate hain kinds of tortious liability ke upar. Dekhiye, ab aapke samne 3 tarike ki liabilities rakhi gayi hain. Kind of tortious liability mein sabse pehli liability aati hai strict
जिसको आप एब्सोल्यूट लाइबिलिटी भी बुलाते हैं, सेकंड जिसको आप वाइकेरियस लाइबिलिटी बुलाते हैं, और तीसरा वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट बुलाते हैं. तीन चीजें, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट. कमिंग डाउन टू स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट. अच्छा बेटा, इन सब में ना हेयरलाइन डिफरेंस होने वाला है. किसी की गलती की वजह से कोई लाइबल होने वाला है, बस इतना याद रखना. चाहे काम कोई भी करे, अगर वो काम मेरे लिए कर रहा था तो मेरी लाइबिलिटी आने वाली है ना. मैंने निकिता को बोला कि आप जाके मेरे लिए काम करें, उनसे गलती हो भी गई, तब भी शी वॉज डूइंग दिस एक्ट फॉर मी, आई एम गोइंग टू बी लाइबल. सो अब ये काइंड ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी आपको उस तरफ लेके जाएगा कि देख भाई, अगर काम तेरी वजह से हो रहा था, तेरे कहने पर हो रहा था और तेरे अनुसार हो रहा था, नुकसान हुआ तो लाइबिलिटी तेरी. सबसे पहले आती है आपकी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, जिसको आप क्या बुलाते हैं, और साथ साथ में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. देखते हैं, इन सम टॉर्ट्स, बेटा मार्क करना, जहां मैं हेयरलाइन बताऊं वहां पे डिफरेंस मार्क करना. इन सम टॉर्ट्स द डिफेंडेंट इज लाइबल इवन दो द हार्म टू द प्लेंटिफ अकर्ड विदाउट द इंटेंशन और नेग्लिजेंस. ना तुमने इंटेंशन था, ना तुम्हारा नेग्लिजेंस था, फिर भी सामने वाले का नुकसान हो गया. न तेरी भावना, न तेरी इंटेंशन. पर एक सेकेंड, क्या ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स में इंटेंशन जरूरी है? तो फर्क नहीं पड़ता. तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या बोल रहा है, कुछ केसेस में प्लेंटिव लाइबल होता है इवन अगर उसने नेग्लिजेंस नहीं दिखाया. इन अदर वर्ड्स, द डिफेंडेंट इज हेल्ड लाइबल विदाउट फॉल्ट. आपका कोई फॉल्ट था ही नहीं, सामने वाले बंदे का बस नुकसान हुआ. आपने सब ध्यान रखा था, फिर भी नुकसान हुआ, क्या तब भी आपको भरपाई करनी पड़ेगी? यस, करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. मेरे को जानना ही नहीं है कि तेरा इंटरेस्ट था कि नहीं था, मेरे को सिर्फ इतना जानना है नुकसान हुआ, हुआ, भर, बात खत्म. आ जाए. सो दीज आर द केसेस विच फॉल अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी. सबसे पहला, लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल एक्सीडेंट. ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसे आप हटा ही नहीं सकते थे, ये होना ही था और हो गया, तो हम क्या बोलते हैं? जब ये होना ही था और हो गया तो भर, नुकसान की भरपाई कर, बात खत्म. आई जस्ट गिव यू अ नॉर्मल एग्जाम्पल, डोंट टेक इट इन टॉर्ट्स, क्योंकि ऐसे केसेस जाते नहीं टॉर्ट्स में, बट आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. ये प्लॉट के ऊपर एक घर बना हुआ है, आराम से लोग ले रहे हैं. मैंने इसके बगल का प्लॉट लिया है और मैं यहां पर घर बनाऊंगा. इस घर के कंस्ट्रक्शन की वजह से धूल मिट्टी उड़ के इनके घर का पूरा फ्रंट कलर खराब हो गया. यहां पे जब हमारी वॉल्स बन रही थी तो वॉल्स को आप लोग पानी डालते हो रेगुलरली ताकि दे होल्ड बेटर. ये पानी दूसरे वालों के यहां सीप करने लगा और उन बेचारों के घर का अंदर भी अंदर का कलर भी खराब हो गया. कुछ कर सकते थे इसका? नहीं. अच्छा, मैंने तो पूरा ध्यान रखा, ऐसा तो है नहीं कि उनके घर बार कुछ किया, पर फिर भी उन बेचारों को तो नुकसान हुआ. मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला तेरी गलती है, ऐसे ईंटें क्यों लगाई, टेढ़ी लगाता थोड़ी सी, चलेगा क्या? नहीं, ये नुकसान इनएविटेबल था, आप कुछ कर ही नहीं सकते, अगले बंदे तक जाएगा ही जाएगा. तो ऐसे केस में हमने क्या बोला कि भाई झगड़े की बात नहीं है, तू क्या कर, जो उनका नुकसान हुआ ना, जहां उनका कलर खराब हुआ वापस से कलर करवा के दे दे, तू तेरे रास्ते, वो उनके रास्ते, बात खत्म हो गई. क्या यहां पे मेरी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आई? इट डज नॉट मैटर कि भाई आपने कितना ध्यान रखा, नुकसान हुआ ना उसका, बात खत्म. वो अपने घर में शांति से बैठा था, आपने उसका घर खराब किया, सही करवा के दो, सिंपल इनफ. इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी? दैट देयर इज नो फॉल्ट येट देयर इज सम काइंड ऑफ डैमेज. That comes under strict liability. इस लाइन को ध्यान देना, there is no fault yet there is damage. Vicarious में इस लाइन को बदलूंगा. चलिए, these cases fall under the following categories. तो liability of पहले आपने inevitable accident रखा. Such liabilities arise in the case where damage is done by the escape of some dangerous substance brought or kept by anyone upon his land. Such cases are where man is made by law and insurer of other against the result of his activities. यहां तक सिंपल है, कोई डाउट नहीं. सेकंड, लाइबिलिटी फॉर इनएविटेबल मिस्टेक. आपने इस बार गलती की है, इंटेंशन नहीं था पर आपसे गलती हो गई जिससे नुकसान हुआ. देखते हैं, सच केसेस आर वेयर अ पर्सन इंटरफेयर्स विद द प्रॉपर्टी और रेपुटेशन ऑफ अनादर. मैं आज बोल रहा था, बोलते बोलते मैं कितनी बार राहुल गांधी के ऊपर जोक मार देता हूं, कुछ भी कर देता हूं. इट इज अ मिस्टेक, वी कैन नॉट इंसल्ट समवन ऑन कैमरा. मैं आप लोगों के सामने बैठ के इंसल्ट कर रहा हूं, बट हू केयर्स. कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, व्हाट वी आर सेइंग, देयर इज सम काइंड ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इनएविटेबल मिस्टेक. आपने किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ गलती कर दी, या फिर मान लीजिए मैं रस्ते से जा रहा था आराम से. हम भारतीयों का तो एक चीज श्योर है, लड़के भारतीयों का, हमें रस्ते में जहां लगती है हमें वहीं लगती है और हम वहीं गाड़ी रोक देते हैं. फिर उसके बाद वो जमीन मेरे ताऊ दादा की होती है, हम सोचते भी नहीं हैं, हम डायरेक्ट इलाका छोड़ते हैं, पहुंच जाते हैं. अब मान लो कि ऐसी हरकत
अपने में से किसी बैठे हुए आदमी से हुई। आप किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर आराम से लहरा रहे हैं, सामने से मालिक खड़ा होकर मीनवाइल आपको ऐसे देख रहा है। गलत है क्या, मतलब लगा के रखा है तुमने? अच्छा एक बार तो जेन्युइनली मैंने इतनी गालियां खाई थी ना जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा मेरे को पता नहीं पड़ा, मैं ऐसे वॉक करते 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 मैं कहा भाई साहब कभी कभार बहाव इस लेवल पे होता है कि रुकना पाप है। मैं कहा आज किडनियों को बचाना है, ब्लैडर बचाना है, रवाना एक जगह किसी के जाके पीछे खड़े हुए। देन आई रियलाइज कि मैं जिस पे धमाका कर रहा था उसकी शॉप का फ्रंट ऐसे आगे की तरफ था और बेचारे की टपरी थी वो जिसके ऊपर अपन। ओ भाई साहब आधे अधूरे में भागा हूँ मैं। मैं कहा आज तो खत्म ही, इतनी बुरी हालत, हम जहाँ पे पैसे कमाते हैं ऐसे करते वैसे करते। बट क्या उसका इलीगल राइट है चिल्लाना? है। अच्छा गलती से मिस्टेक से हुआ, कोई इंटेंशनली थोड़ी ढूंढता है इसकी दुकान। ऐसा कोई नहीं करता। द आइडिया इज देयर इज अ मिस्टेक बट इट इज एन इनएविटेबल मिस्टेक। क्या आप मेरे को वहां पे बोल सकते हो कि भाई तेरी गलती है? यस है। तीसरा कम्स डाउन द वाइकेरियस लाइबिलिटी फॉर रॉन्ग्स कमिटेड बाय अदर। इसके अंदर आपको केस पढ़ना है रेलैंड वर्सेस फ्लेचर, वन ऑफ द मोस्ट बेंचमार्क थिंग्स विच वी आर गोइंग टू लर्न। ठीक है पहले अच्छा वाइकेरियस लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है समझना। वाइकेरियस का मतलब होता है व्हेन द प्रिंसिपल इज हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ हिज एजेंट्स। वाइकेरियस का मतलब होता है जब मुझे लाइबल किया जाए मेरे एजेंट की कोई गलती की वजह से। देखना सो रेस्पॉन्सिबिलिटी इन सच केसेस इज इम्प्यूटेड बाय लॉ ऑन द ग्राउंड ऑफ सोशल पॉलिसी और एक्सपीडियंसी। दीज केसेज इन्वॉल्व लाइबिलिटी ऑफ मास्टर फॉर द एक्ट ऑफ सर्वेंट। मास्टर की लाइबिलिटी हो जाती है क्यों? क्योंकि उसके सर्वेंट ने कुछ गलती करी थी। रेलैंड वर्सेस फ्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट इज रेलैंड वर्सेस फ्लेचर? एनीवन? किसी ने पढ़ा है पहले केस? हाँ जी ठीक है ठीक है चलेगा। हल्का सा बस हरीश की बात को ही वापस से कहानी की तरह बना देते हैं बट ही इज राइट कंप्लीटली। कमिंग डाउन टू रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। अच्छा रेलैंड वर्सेस फ्लेचर के अंदर क्या हुआ कि भाई यहां पे एक बंदा था जो एक मिल ओनर था। इसने क्या बोला कि मेरे को मेरी मिल में पानी के सप्लाई के लिए जमीन में एक रिजर्वॉयर बनाना है। अपनी जमीन पर उंगली कर रहा है, तुमको कुछ किया नहीं किया, अपने वहां पानी जमा करेगा, खुद ही पानी इस्तेमाल करेगा। उसने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया इस काम के लिए। उसने कहा तू जा आराम से जमीन खोद, चेक कर ले कैसे काम करना है, करके कर देना, रिजर्वर बना देना। जब वो ऐसा कर रहा था नीचे से जाता हुआ एक पाइप तोड़ दिया उसने, जिसकी वजह से यहां से पानी सिंक होके उसके नेबरिंग साइड चला गया। अब उसका नेबर का एक माइंस का काम था पूरा, और ये पानी जब उधर गया तो उसकी पूरी माइंस खराब हो गई। अब सामने वाला नेबर खड़ा होकर बोलता है भाई एक सेकेंड मेरे को कॉम्पनसेशन दे। ये बंदा कह रहा है कि भाई मैं क्यों कॉम्पनसेशन दूं, मैंने तो एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया था, वो काम कर रहा था, उससे गलती हुई जाके उसको पकड़। हमने बोला भाई वाइकेरियस लाइबिलिटी, वो काम किसके लिए कर रहा था? तेरे लिए, तेरे कहने पर। अगर यहां पर तेरे लिए तेरे कहने पे वो काम कर रहा था तो मैं किसको जानता हूं? तेरे को। तू मेरे को कॉम्पनसेशन देगा, तुम दोनों को जो करना है करो, जिसकी गलती हो तुम निपटते रहना, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं, मैं तुझसे पैसा लेने वाला हूं। केस के फैक्ट समझ में आए? आओ द रूल इन रेलैंड वर्सेस फ्लेचर इज दैट अ मैन एक्ट एट हिज पेरिल। अच्छा पेरिल का मतलब क्या होता है बेटू? रिस्क। अ मैन एक्ट ऑन हिज ओन रिस्क। सुबह सुबह 7 बजे तुम उठ के यहां पे आते हो, ये तुम्हारा रिस्क है। एंड इज द इंश्योरर ऑफ द सेफ्टी ऑफ हिज नेबर अगेंस्ट एक्सीडेंटल हार्म। अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो आप अपने नेबर के इंश्योरर भी हो। सच ड्यूटी इज एब्सोल्यूट बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट और हिज सर्वेंट। सामने वाले से नेग्लिजेंस हो गया, कुछ भी हो गया, फर्क नहीं पड़ता, तू इंश्योरर है कि तू जो काम कर रहा था उसकी वजह से सामने वालों को नुकसान
नहीं होना चाहिए. इट वॉज हेल्ड इन दैट केस इफ अ पर्सन ब्रिंग्स और अक्यूमलेट्स ऑन हिज लैंड एनीथिंग विच इफ इट कुड एस्केप मे कॉज डैमेज टू हिज नेबर्स ही डज सो एट हिज ओन रिस्क. इफ इट डज नॉट एस्केप एंड कॉज डैमेज ही इज रिस्पॉन्सिबल. हाउएवर केयरफुल बी ही मे हैव बीन एंड वॉट एवर प्रिकॉशन ही मे हैव टेकन टू प्रिवेंट डैमेज. ये लाइन समझने के लिए आपको एक मस्त एग्जाम्पल देता हूँ. हरीश सर ने एक सर्कस ओपन किया, ठीक है. सर्कस में उसने 8 शेर रखे, हाथी भी थे, जो भी और जानवर भी थे. एक शेर से अपनी बहुत बनती थी, बड़े अपना जिगरी आदमी था और सेफ आदमी लगता था. तो मैंने उस दिन सर को बोला कि सर इसको मैं अपने घर ले जाऊं, शेर का नाम पिंकू. तो पिंकू और मैं घर पे आ गए. मैं पिंकू को कहा, मैं कहा पिंकू सेफ्टी फर्स्ट, तू घर के अंदर नहीं रहेगा. मैं पिंकू को ले गया छत पे. मैंने छत पे उसको मेरे कुत्ते के पट्टे से बांध दिया. मेरे को लगा पिंकू इज अ डिसिप्लिन शेर. पड़ोस में बगल में शुक्ला आंटी रहती हैं, आंटी रहती हैं, जस्ट सेइंग. तुम सब लोग पड़ोस में देखना बंद करो, इधर आओ साले, आंटी कॉन्शियस हो जाएगी, ठीक है. पड़ोस में शुक्ला आंटी रहती हैं. आंटी को 6 नंबर का चश्मा है, आंटी को दिखता नहीं है. आंटी मस्त रेक्सोना लगा के नहा के बाहर आके अपने बाल सुखा रही थी, कपड़े पहन के, ठीक है, बाल सुखा रही थी आराम से आंटी. आंटी ने चश्मा नहीं पहना था और पिंकू तब तक अपनी चेन तोड़ चुका था और पिंकू बगल में आंटी को देख रहा था ऊपर से. पिंकू बीइंग हरीश सर्स टाइगर, बाउंड टू डू इट. तो पिंकू मजे से ऐसे देख रहा था. आंटी को लगा कि पिंकू शेर नहीं कुत्ता है, क्योंकि आंटी को चश्मा था. तो आंटी आ जा. पिंकू बड़ा ओबीडियंट था, मैंने आपको पहले ही बताया, वो आ गया और आंटी उसके बाद एक टांग के साथ बाहर आई. सवाल बड़ा मासूम और डायरेक्ट सा, मैंने कुछ किया? आंटी नहीं छेड़ा, छेड़ा पिंकू, वो गया, उसने टांग खाई. मैं बढ़िया अंदर बैठ के टीवी देख रहा था. मेरे को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा कि नहीं? मैं क्यों दूं? आंटी ने क्यों छेड़ा उसको? आपने कहा भाई तू अपनी जमीन पे जो चीज लाया था ना, वो उतने घर में रखने की नहीं होती, और वो भी कुत्ते के पट्टे से तो बांध के बिल्कुल रखने की नहीं होती. पहली बात. सेकंड, चाहे बगल वाले का नेग्लिजेंस था, पर चीज किसकी थी? तेरी थी. कॉम्पनसेशन करना पड़ेगा, बलिदान करना होगा. रीड करके देखो, अब रीड करो ये लाइन, तुमको एकदम समझ में आएगी. इफ अ पर्सन ब्रिंग्स, फोर्थ लाइन से रीड करना. इफ अ पर्सन ब्रिंग्स और अक्यूमुलेट्स ऑन हिज लैंड एनीथिंग विच इफ इट should which it should escape may cause damage to his neighbors, he does so at his own risk. If it does not escape and even it causes damage, he will still be responsible. However careful he may have been, main to mere kutte ke patte se bandha, aur kya karu, itni carefulness rakhi. And whatever precaution he may have taken to prevent the damage hua, bharpai hogi. Line ekdam jam gayi kya? Bas jab ye answer likhna ho, Ryland versus Fletcher likhna ho, sher aur shukla aunty ko yaad kar lena saath mein. The facts of this case were as follows. B, a mill owner employed independent contractor. B ने एक independent contractor को appoint किया who were apparently competent to construct a reservoir. ये लोग जमीन पे एक reservoir बनाना चाह रहे थे on his land to provide water for his mill. There were old disused mining shafts under the site of the reservoir. नीचे की तरफ जब अपन dig करते हुए गए तो वहां पे old disused mining shafts पड़ी थी which the contractor failed to observe because they were filled with earth. मतलब जमीन में धसे हुए थे, तो अपने को पता ही नहीं पड़ा, अपन तो चलते गए आगे. The contractors therefore did not block them. When the water was filled in the reservoir, it burst through the shafts and flooded to the plaintiff's coal mines. आप सामने वाले की coal mine में पानी लेके पहुंच गए. On the adjoining land, it was found as a fact that B did not know of the shaft and had not been negligent. अच्छा देखो, यहां पे क्या हुआ, ये पता पड़ा था कि बी को तो पता ही नहीं था कि नीचे शाफ्ट है, क्योंकि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था, मेरे को क्या पता. एंड नॉट बीन नेग्लिजेंट, दो द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैड बीन नोइंग कि नीचे शाफ्ट्स थी, बी वाज हेल्ड लाइबल. चाहे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, तब भी अपन ने किसको लाइबल कर दिया? बी को लाइबल कर दिया. ब्लैकबर्न जे ऑब्जर्व, वी थिंक दैट द ट्रू रूल ऑफ लॉ इज दैट द पर्सन हु for his own purpose bring on his land and collects and keeps there anything likely to do a mischief if it escapes. Isne kya bola Blackburn ne? Blackburn ne kya bola?
कि भाई मेरे हिसाब से लॉ का ट्रू मतलब क्या है, कि कोई भी इंसान खुद की चीज़ के लिए अपनी ज़मीन पे कोई चीज़ लाता है या उसे कलेक्ट करके रखता है या फिर वो चीज़ की वजह से कोई भी नुकसान होता है, कोई भी मिस्चिफ होता है, मस्ट कीप इट एट हिज पेरिल. ये आपके रिस्क पे होना चाहिए. आप घर पे शेयर लाए थे, ये आपके रिस्क पे लाए थे. एंड इफ ही डज नॉट डू सो प्राइमा फेसी आंसरेबल फॉर ऑल द डैमेज विच इज नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स एस्केप. और उसकी वजह से जितना भी सामने वाले को नुकसान हुआ आपको भरपाई करनी पड़ेगी. लेटर इन द केस ऑफ रेड वर्सेज नाइन्स इट वॉज बीन एक्सप्लेन दैट टू कंडीशन शुड बी देयर टू अप्लाई द रूल एस्टैब्लिश इन रेलैंड वर्सेज फ्लेचर. रेलैंड वर्सेज फ्लेचर क्यों लगता है, वो इन दो रूल से निकला. देख लें, पहला, एस्केप फ्रॉम अ प्लेस ऑफ विच द डिफेंडेंट हैज ऑक्यूपेशन और ओवर विच ही हैज अ कंट्रोल टू अ प्लेस विच इज आउटसाइड हिज ऑक्यूपेशन और कंट्रोल और समथिंग लाइकली टू डू मिसचीफ इफ इट एस्केप्स. पहली चीज, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर लगाने के लिए एस्केप होनी चाहिए, वो चीज आपके यहां से एस्केप होके दूसरी तरफ जानी चाहिए. एस्केप इज द फर्स्ट. सेकेंड बिकम्स नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड. मेरी जमीन पर शेर ला के पाल रहा हूं, शेर घर पर पाले जाते हैं क्या? दुबई बनाओगे सारे इसको? नहीं, यहां पे तो शेर नहीं आते घर के अंदर. तो हमने क्या बोला, तू जो अपनी लैंड का यूज कर रहा है वो क्या था? नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड था. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपनी जमीन का वैसा इस्तेमाल कर रहे हो जो नेचुरल यूज ऑफ लैंड में आता है, मतलब एक जमीन को उस चीज के लिए उपयोग कर रहे हो जिस चीज के लिए आपने उसे लिया है, तो सही है. हाउएवर, अगर आपने कोई नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड किया तो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर आपको प्रोटेक्शन देता है. दो चीजें, आप जो चीज लाए वो एस्केप करके दूसरी तरफ चली गई, और दूसरी चीज, आप लैंड का कौन सा यूज कर रहे हो? नॉन नेचुरल यूज. द डिफेंडेंट इज लायबल इफ ही मेक्स अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ द लैंड. अब देखो, ये था रेलैंड वर्सेस फ्लेचर जो आपको बता रहा था कि भाई तेरे ऊपर एब्सोल्यूट लायबिलिटी आएगी इवन तूने कुछ भी गलती नहीं करी तो. बेटा समझना, क्यों रेलैंड वर्सेस फ्लेचर को अपन ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी में लिखा है? अगर इस जगह पे ये जो कॉन्ट्रैक्टर था ये इंडिपेंडेंट नहीं होता ना, तो ये केस आ जाता वाइकेरियस लायबिलिटी के अंदर. क्योंकि वाइकेरियस लायबिलिटी में अपन ने क्या बोला, अ मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज सर्वेंट. रेलैंड वर्सेस फ्लेचर को अपन ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्यों लिखा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर क्या था? एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था. इसका प्रिंसिपल से कोई मतलब ही नहीं था, फिर भी हमने किसको लायबल कर दिया? प्रिंसिपल को लायबल कर दिया. तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या कह रही है कि चाहे तेरी कुछ भी गलती ना हो, अरे वो तेरा बंदा भी नहीं था, वो तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था, पर क्या फिर भी तेरी लायबिलिटी आने वाली है? आने वाली है. डिड यू गेट इट व्हाई वी हैव रिटन रेलैंड वर्सेस फ्लेचर इन एब्सोल्यूट लायबिलिटी? नाउ कमिंग डाउन टू द एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. कब कब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं बीच में आती? सामने वाले को डैमेज हुआ ड्यू टू नेचुरल यूज ऑफ लैंड. आप घर का, आप अपनी जमीन का, आप अपनी प्लेस का नेचुरल यूज कर रहे थे, अगर उस नेचुरल यूज की वजह से कोई डैमेज है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं बनती. कमिंग डाउन, आता हूं, बता रहा हूं बात. एक्ट ऑफ गॉड, इसमें तो ओ माय गॉड के अंदर आपको प्रॉपरली बताया गया है सब कुछ. भूकंप आ गया, मेरा घर गिरा तुम्हारे घर के ऊपर, तो तुम ये थोड़ी बोल सकते हो तेरा घर उठा. एक्ट ऑफ गॉड है, गिर गया गिर गया, मैं क्या करूं? नहीं, एब्सोल्यूट लायबिलिटी है चाहे तेरी गलती हो या नहीं हो. अबे ये तो भगवान की गलती है, कोई क्लेम नहीं बनता. तो इन केस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड, मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी रेन हुई, स्टॉर्म आया, कोई कॉम्पनसेशन नहीं है. थर्ड, प्लेंटिव्स ओन डिफॉल्ट. प्लेंटिव की गलती की वजह से ये नुकसान उसको हुआ, आपने कुछ भी नहीं किया, प्लेंटिव ने सब कुछ किया, तो हम बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगेगा. पर ऐसे केस में डिफेंडेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि पूरी गलती प्लेंटिव की थी, इस गलती में आपका कोई हाथ नहीं था, विच इज अगेन वेरी 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 टफ टू बी प्रूव्ड. बोलने में जितना भी अच्छा लग जाए प्रूव नहीं किया जा सकता कि सारी गलती प्लेंटिव की थी. नेक्स्ट अप, एन एक्ट डन अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ लॉ. बाय लॉ आपको एक एक्ट अलाउड है. फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे घर के आगे किसी ने कोई एक्स्ट्रा चीज बना दिया, फिर कोई बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा है, भाई साहब बिना पूछे ना तोड़वा देना, पूछने की जरूरत नहीं. क्यों? क्योंकि बाय लॉ आपके पास राइट टू वे है, कोई आपके वे को ब्लॉक नहीं कर सकता, एकदम ठीक है. अनदर एग्जाम्पल, हम हमारे घर का फर्स्ट फ्लोर बना रहे थे, तो हमारे नेबर्स का ऑलरेडी फर्स्ट फ्लोर बना हुआ था, नहीं आई एम सॉरी, उनका फर्स्ट फ्लोर नहीं बना हुआ था, हम बना रहे थे. तो अब देखो, आप अगर हमारे यहाँ पे, अब सबके रो हाउसेस है, आई हैव अ रो हाउस, सो इस रो हाउस के बगल में एक और रो हाउस है, इधर भी एक रो हाउस है. जब मैं फर्स्ट फ्लोर बना रहा था ना, तो मैं विंडो बनाना चाह रहा था लेफ्ट साइड में, मना कर दिया उन लोगों ने. उनने कहा सर विंडो नहीं बनवानी है. क्यों? क्योंकि हमारे प्राइवेट राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है सर.
आप विंडो से नीचे देखोगे, मैं कहा हाँ हमारे जीवन में कोई काम धंधे नहीं, बैठ के यही करेंगे, तेरी तो साले बेटी है ना, ऐश्वर्या राय आएगी तो घूरूंगा नीचे, ठीक है। पर क्या उसकी बात सही है? उसने नहीं बनवाने दिया, पर अपन कुछ नहीं कर पाए, उसने बोल दिया नहीं बनेगी। मैंने उनको यहां तक बोला कि सर जब कल आप फर्स्ट फ्लोर बनाओ तो मेरी विंडो बंद हो जाएगी, आप अपनी दीवार उठा देना, डरना क्या, मेरी विंडो खराब होगी ना, आप तो रहने दो। बोले नहीं सर इस तरफ नहीं देखने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, विंडो नहीं बनवा दी। पता नहीं ऐसा क्या काम चल रहा था पर उसने विंडो नहीं बनवाने दी। अगेन एन एक्ट डन अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अच्छा पर क्या कोई मेरे घर के फ्रंट में मेरे को विंडो निकालने से रोक सकता है? बाय लॉ मेरे पास अपने एयर का तो राइट है ना, क्या खाली दीवारें बनाऊंगे? सामने वाला बोलेगा कि नहीं मेरी तरफ देखेगा तू? देखूंगा ही, मेरे सामने है तू। लास्ट एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। अच्छा यहाँ पे थर्ड पार्टी का मतलब क्या है? न वो कॉन्ट्रैक्टर से रिश्ते में थी, न वो प्रिंसिपल से रिश्ते में थी, न वो डिफेंडेंट से रिश्ते में थी, कोई अचानक से थर्ड पार्टी। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इसी वाले केस में रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में आई एम मान लो पर्सन बी जिसने ज़मीन खुदवानी है, मैंने हरीश को अपॉइंट किया, हरीश आके कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा है, बगल में जो नेबर है वो हार्दिक है, सब केस सेट है। रात में यश आया, यश चोर है, न मैं उसको जानता न हरीश न हार्दिक। यश आया, यश ने बोला कि मेरे को मेरे पंडित ने बताया है कि किसी सेंट सेबेस्टियन गार्डन में बड़े W के नीचे सोना है, गलती से उसने रात में इतनी पी रखी थी कि उसे W दिख रहा था, वो खड्डे में कूद गया, धौड़ 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 नीचे घुसता गया, रिजर्वोयर तो बनता नहीं, इसने पाइप तोड़ दिया सारे, ये तो बढ़िया निकल लिया वापस। क्या यहाँ पे मैं कॉम्पनसेट करूँगा? आपने बोला नहीं, इस बार तो कोई थर्ड ही पार्टी थी ना, मेरे कहने पे कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था, ना मेरी वजह से कुछ हुआ, और ना मैं कोई नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड कर रहा था भाई, मैं तो बैठा था शांति से। इस बंदे ने थर्ड पार्टी आई और क्लेम करके चली गई, समाप्त ये वाली बात। अब हरीश ने पूछा कि सर क्या कंस्टिट्यूट करता है नेचुरल यूज ऑफ लैंड और क्या नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड? बात समझना, आप जब एक जमीन खरीदते हो आप रिजर्वोयर बनाने के लिए जमीन खरीदते हो? नहीं, आप वहां पर रहने के लिए खरीदते हो, तो कहीं पे भी लिखा नहीं है कि नॉन नेचुरल और नेचुरल यूज क्या होता है, इट इज टू बी इंटरप्रेटेड। क्या कोई जमीन में लेके रिजर्वोयर खोद रहा था तो ये नेचुरल यूज था या नॉन नेचुरल यूज था? आपने बोला आप नॉन नेचुरल यूज कर रहे थे यार, कौन बैठ के रस्ते में अपना रिजर्वोयर बनाता है? वाटर टैंक समझ में आता है, इट इज नेसेसरी, दैट्स अ नेचुरल यूज ऑफ लैंड। आप दीवार के अंदर खड्डे करवा रहे थे उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी लाइन डलवाने के लिए, नेचुरल यूज ऑफ लैंड। क्यों? क्योंकि ये सब एक बेसिक इंसान को जीने के लिए और रहने के लिए जरूरी है, तो ऐसा काम जो आपके सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है दैट इज कॉल्ड नेचुरल यूज ऑफ लैंड। हाउएवर ऐसा काम जो आप एक्स्ट्रा एमिनिटीज क्रिएट करता है, कुछ नई चीज लेके आता है, इन सबको नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड बोला जाता है। एकदम ठीक, आप लोगों ने अभी अभी पूरा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी विद इट्स एक्सेप्शन पढ़ा है, मार्केट हेल 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 लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट। मैंने इसमें इतना टाइम इसलिए खर्च किया क्योंकि इसमें और वाइकेरियस लाइबिलिटी में सिर्फ एक लाइन का फर्क होता है। इसमें हमने बोला चाहे तेरा फॉल्ट हो या नहीं हो तू लाइबल होगा, वाइकेरियस लाइबिलिटी के अंदर अपन कहते हैं कि तेरे सर्वेंट की गलती या फिर तेरे एजेंट की गलती की वजह से तू लाइबल होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे पास है भारत पेट्रोलियम की एजेंसी, मैं पेट्रोल सप्लाई करता हूं, यश का पेट्रोल पंप है जय महाकाली पेट्रोल पंप। इसका फोन आया, इसने कहा भाई मेरे टैंक सूख रहे हैं पेट्रोल के, दो टैंकर भेज दे। मैं कहा भेज देता हूँ, ठीक। अपना ड्राइवर रोहित, रोहित ने कहा कि मैं गाड़ी यहाँ से वहाँ चला के जाऊँगा, ऑल सेट। मैंने एक टैंक में डीजल एक टैंक में पेट्रोल पूरा इसको भर के दे दिया। मैंने कहा भाई आराम से धीरे धीरे चलाता हुआ जाना, भगाने की जरूरत नहीं है, आराम से पहुंचाओ, इतना डीजल पेट्रोल है कि रात तक चलेगा, उनको पहुंचने में तुझे 2 ही घंटे लगेंगे, बिल्कुल नहीं भगानी। इसने कहा ठीक है सर। मैं कहा रैश ड्राइविंग नहीं करेगा ना? इसने कहा बिल्कुल सर, डन। मैंने इसको क्या इंस्ट्रक्शन दिया? रैश ड्राइविंग मत करना, अच्छे से गाड़ी चलाना। इसने बिल्कुल नहीं करी रैश ड्राइविंग, आराम से पहुंच गया। ये पहुंचा पेट्रोल पंप के बाहर, ठीक। अंदर उसी टाइम पे अनुष्का शर्मा अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे थे, भाई को आ गया टशन। भाई ने कहा अब भाई देगा एटीट्यूड। भाई ने जेब से निकाली एक सिगरेट, पीते पीते नीचे उतरा और फेंके, स्ट्रेट जाके सामने पंप में आग लगी, पंप ब्लास्ट, साथ में गाड़ी भी ब्लास्ट, भाई बच गया। तू भी साले जल के मर जाना चाहिए था वैसे तो, पर तू बच गया। भाई का फोन आया वापस, अनुष्का दीदी निकल गई। भाई यार हमारे कैप्टन की बीवी यार, कुछ बोल ही नहीं सकते, तू देश को जीता, हम भाभी का ध्यान रख लेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं है। चले वापस आते हैं इधर।
मुद्दे पे आओ यार, तुम मुद्दे से मत हटो. यस, तो ये भी बच गया. वहाँ से यश का फ़ोन आया, जय महाकाली बर्नट. मैं कहा यस सर, क्या दिक्कत है? बोले कि भाई पंप जल गया, कॉम्पनसेशन लगेगा 8 करोड़ रुपए. मैं कहा तेरा दिमाग ठीक है? डीजल पेट्रोल मैंने तुझे 10 लाख का नहीं भेजा और 8 करोड़ का कॉम्पनसेशन मांग रहा है. बोले कि भाई तेरे बंदे ने यहाँ पे आके उड़ाया पंप. मैं कहा मैं बोला क्या उसको कि वहाँ से गाड़ी से उतरना, जलाना और पंप की तरफ थ्रो करना? और वो बेचारा कह रहा है कि सर आप बात समझो, मेरा थ्रो तो उस तरफ था, मतलब पंप के बाहर की तरफ था, वो तो मैं भेंगा हूँ तो मुझे दिखा नहीं, मैं ऐसा थ्रो कर दिया और पंप में लग गई, तो गलती हुई है और हमने तहे दिल से इसको सॉरी कहा. इस बेचारे ने तो हाथ जोड़ के सॉरी कहा, मैं पाँव में था उस टाइम. हमने पूरी कोशिश कर ली कि भाई 8 करोड़ नहीं दे पाएंगे, पर आप बोलो कि मेरे ऊपर लाइबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी. पर मैंने थोड़ी बोला था जाके सिगरेट पी. खत्म. हाँ इट वॉज, नहीं होगा होगा, मेरे ऊपर आएगा. इट वॉज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आपने उसको रैश ड्राइविंग नहीं करने के लिए बोला, ठीक है बहुत बढ़िया. वो आदमी ने फिर भी रैश ड्राइविंग करी, तब भी नहीं करी, तब भी अगर उसकी हरकत से सामने वाले को नुकसान हुआ तो डायरेक्ट लाइबिलिटी किसकी आने वाली है? तुम्हारी हीच आने वाली है. केस भी अपने पास. हाँ जी, कहाँ लगा है? बाहर खड़ा था पंप के. अच्छा ट्रक लगा दिया, चल ट्रक लगा के आखिरी बूंद चल रही थी, तब भी किया ना, तब भी तू मेरे कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ही था. इट वॉज ऑलवेज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इस केस से मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, वॉट वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश आउट हियर, दैट इट इज इररेलेवेंट बिकॉज ऑफ वॉट मिस्टेक द डैमेज हैज हैपेंड. वॉट इज मोर रेलिवेंट बाई हुम दैट मिस्टेक हैज हैपेंड एंड वेन दैट मिस्टेक हैज हैपेंड. इफ इट हैज बीन डन बाई योर एजेंट एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यू आर गोइंग टू बी लाइबल बिकॉज ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी एंड द टॉर्ट. Nothing to be added more. Done in the course of employment, done by your agent. Forget it. आप liable हो गए. However, अगर agent ने कुछ गलत intention से कुछ agreement या उसके power के contrary जाके कुछ किया, ऐसे case के अंदर agent अपनी liability खुद के साथ ले लेता है. यहां तक की कहानी साथ है. अभी हाँ कोई doubt? हाँ बेटा. देख again, law of torts वहीं खत्म हो गया. फिर रिकवरी लॉ चल गया, अपन सूट फॉर मनी चलेंगे, वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है. अपन इसमें रहते हैं ना, बहुत आगे तक की डिबेट चल जाएगी इसमें. साफ करवा दे, तेरे काम है, करवाना साफ तेरे से. सबसे बड़ी दिक्कत पेड़ों में होती है. बहुत सारे लोग पहले वाले टाइम में अपने घरों में क्या करते थे ना, क्रिसमस ट्री लगा देते हैं या फिर है ना रो हाउसेस के अंदर लगाते हैं. इवन इफ यू कम डाउन एट माय प्लेस, आई हैव अ क्रिसमस ट्री, बहुत बड़ा सा क्रिसमस ट्री, मतलब इट कम्स डाउन टू माय फर्स्ट फ्लोर, इतना बड़ा क्रिसमस ट्री है. तो उनके रूट्स है ना दूसरों के घर के, उसमें चले ही जाते हैं. आप कभी निकालने गए ना, आप उनकी फ्लोरिंग तोड़ने ही वाले हो. लिख लो, निकालते हुए उसकी फ्लोरिंग टूटने ही वाली. जिस दिन वो निकला, मेरे को उसको उसकी फ्लोरिंग बनवा के देनी पड़ेगी. दिस इज़ फॉर डन. मेरे बगल वाले रो हाउस ने अपने, पता नहीं उसको क्या शौक है, उसने अपने पेड़ में, उसने अपने घर में अमरूद का पेड़ लगाया हुआ है. जेन्युइनली पता नहीं क्या मूड है, वो अमरूद के पेड़ हमारे घर तक आते हैं. जब हमें ज़रूरत होती है हम अमरूद खा भी लेते हैं, जब हमें इरिटेशन होता है उतना पेड़ काट देते हैं. यू कांट आस्क मी एनी क्वेश्चन. और वो पेड़ काटने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा पेड़ भी कट गया, तो आप कुछ नहीं कर सकते. पर जिस दिन उसने पेड़ उखाड़ा और मेरे घर के जमीन की एक भी ईंट हिली ना, पूरा तेरे माथे सब कुछ. मतलब हम तो लास्ट टाइम नकनेवाड़ी पे आ गए थे, हम तो कह रहे थे हमारा कलर खराब हो रहा है, साइड से कलर कराओ. पर फिर वो बोले कि छत पे तुम्हारे वैसे भी अंदर की तरफ कलर का क्या करोगे, फिर हमें भी शर्म आई, तो हमने कहा हाँ ठीक. पर खराब तो हो रहा है ना यार, हमको अच्छा नहीं लगा यार. Vicarious liability refers to a situation where someone is held responsible for the action or omissions of another person. देख रहे हो, इस बार किसी और के फॉल्ट, किसी और के एक्शन, किसी और के ओमिशन की वजह से आप लाइबल हो रहे हो. एक एग्जांपल, एन एम्प्लॉयर कैन बी लाइबल फॉर द एक्ट और ओमिशन ऑफ इट्स एम्प्लॉय प्रोवाइडेड इट कैन बी शोन दैट दे टुक प्लेस इन कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट. इन शॉर्ट, अ पर्सन इज लाइबल फॉर हिज ओन रॉन्गफुल एक्ट एंड वन डज नॉट इनकर एनी liability for the act done by the other is known as vicarious liability. Following are the vicarious liabilities. Principal and agent, the biggest. Ek principal hamesha liable hoga uski agent ki masti ki wajah se.
This is based on the maxim quid facit per alien facit per se. That is, he who acts through his agent is acting by himself. जो अपने agent के through काम कर रहा है वो खुद ही काम कर रहा है. When an agent commits a tort in the ordinary course of his duties as an agent, the principal is liable. देखो जहां पे एजेंट ने tort commit किया कब, उसके ordinary course, हाँ जी सर एक मिनट, उसके ordinary course of duties में as an एजेंट द प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर द सेम. जहां पे एजेंट ने हरकत की ऑर्डिनरी कोर्स में, बात समझना, अगर तूने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके कोई काम किया तेरे को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला. सिंपल है. पार्टनर्स, क्या एक पार्टनर की गलती की वजह से दूसरा पार्टनर भी लाइबल हो जाता है? मैंने कल बताया था एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल होता है और जब दूसरा पार्टनर कोई काम कर रहा है वो उसका एजेंट होता है. दोनों एक दूसरे के बीच में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन है. जैसे ही प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप बना टॉट बीच में आएगा. देख लो, ऑल पार्टनर्स आर लाइबल फॉर टॉट कमिटेड बाय पार्टनर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म. द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज जॉइंट एंड सेवरल. थर्ड, मास्टर एंड सर्वेंट. हु इज अ मास्टर एंड हु इज अ सर्वेंट? वो पिक्चर देखी क्या? अरे अपने शाहिद कपूर वाली, बेख्याली, कबीर सिंह, वो बाई के पीछे दौड़ा था, देखा? यहां देखा, बाई सर्वेंट थी. बाई घर में तोड़ा फोड़ी कर रही थी तो इस बेचारे का नुकसान हो रहा था. स्टार्टिंग से देख रहा था, कभी प्लेट फोड़ देती थी, कभी कुछ, और हर बार बोलते थे नया लाके दूंगे. आखिरी दिन देखा तो वो क्या किया था, उसके पीछे दौड़ा था. सो मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप. अगर सर्वेंट ने इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कुछ गलत किया तो नुकसान किसका माना जाता है? मास्टर का माना जाता है. सो अ मास्टर इज लाइबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय द सर्वेंट व्हाइल एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एंड द सर्वेंट ऑफ कोर्स इज ऑल्सो लाइबल. द लाइबिलिटी इज जॉइंट एंड सेवरल. द बेसिस ऑफ द रूल इज द मैक्सिम रेस्पॉन्डेंट सुपीरियर. दैट इज, लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल. हर चीज में मार लो उनकी. और ऑन द मैक्सिम क्वी फसीट पर एलियम फसीट पर से, वापस वही वाला, he who doesn't act through another is deemed to do it himself. And the last point and we shall stop for the day, employer and independent contractor. Abhi Ryland versus Fletcher wala yaad hai kya? An employer is vicariously liable for the tort of his servant committed in the course of their employment. Ab dekho, tort of his servant word use kiya apan ne yahan pe, but he is not liable for the tort for those who are his independent contractor. क्योंकि अगर आपने independent contractor appoint किया था तो vicarious liability नहीं, कौन सी liability आती है? Strict liability आती है. आपका आज के lecture में बैठने के लिए धन्यवाद. कल मिलते हैं, जिंदा रहिएगा, मिलते रहिएगा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.